वेरी गुड, बेहतरीन। और ये बरमूडा ट्रायंगल वाले जो आपके बुंदे थे, झुमके, इयररिंग्स, रिंग्स की तो नहीं कह सकते अब इसको, क्योंकि ये ट्रायंगल में है, तो ईयर ट्रायंगल, ये वाकई बहुत डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे थे और डिस्टर्ब भी कर रहे थे, आपको भी कर रहे थे और वीडियो में भी ऐसा ही लग रहा था कि ये डिस्ट्रक्टिव है। वेरी गुड। उमूमन जब 12 बजे चेकआउट का टाइम होता है होटल से, तो इसी किस्म की तैयारी के साथ वीडियोज़ बनाई जा रही होती हैं। अभी भी ये गालिबन आप देख सकते हैं कि होटल का ही कमरा था, तो वहाँ चला जाता। नहीं, होटल में रुकना कोई बुरी बात नहीं होती है भाई साहब, मतलब फ्रेश होने के लिए भी चला जाता है, या कहीं बाहर टूर पे जाता है तो भी होटल में ही रुकता है, और कहाँ रुकेगा, हर किसी की फुप्पो तो नहीं रहती ना कनाडा में। तो ये होटल से जब आप जा रहे होते, एक रस्मी तरीके का है, 12 बजे वो आपसे कहते हैं प्लीज़ सर गेट आउट, तो जाते हुए आप तैयार होते हैं और फिर वीडियो इस तरीके की बना के निकल जाते हैं। माय गॉड, लड़की नहीं है वो, जादू है। अब है जादू तो धूप खाता है। हाँ, बोरी के अंदर ऋतिक लेके घूम रहा था ना, उसमें कोई मिल गया, जादू धूप, धूप से चलती है, है? क्या हो गया यार लोगों को, जादू से इश्क लड़ा रहे हो गोड़े भैया? हमें तो ये खातून लग रही थी यार, ये कह रहे थे रब ने बनाया, कमाल कमाल भाई है, साइंस का दौर है भैया, और आजकल तो थाईलैंड की फ्लाइट्स भी खुल गई। ओह माय गॉड, आप परेशान मत हो, जिस कोके का यहाँ पे जिक्र हो रहा है ये लिंग्विस्टिक बैरियर है, और आपको मैं बताते चलूँ कि यहाँ कोका नो स्पिन को कहा जा रहा है, ठीक है? तो कोका में पाया माहिया, ये वो वाला कोका है, ये वो वाला कोका नहीं है जिसके लिए आपको कड़क नोट दरकार हो। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।